हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार होमगार्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले मैंने इसके 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जो भी बच्चे बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 रुपये। तो देखिए, फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं 6392409447। इस पेटीएम नंबर पर आप हमें 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट में बिहार होमगार्ड के लिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। तो जल्दी करिए और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और तुरंत फीस जमा कर दीजिए और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर पुटअप आपको कमेंट बॉक्स में करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से अकबर के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसविर, दोस्त मोहम्मद दशवंत, मीर शायद अली। ऑप्शन सी, दशवंत। दूसरा क्वेश्चन, डॉट 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 फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहदी खान, ठाकुर प्रसाद। ऑप्शन ए, मुस्तरी बाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? विरहा, आल्हा, रशिया, लंगुरिया। ऑप्शन बी, आल्हा। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट करने वाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ताप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। ये ताप्ती होगा, राप्ती नहीं होगा। ऑप्शन सी, शारदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, यूरेनियम। छठा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970, 1972, 1974, 1976। ऑप्शन बी, 1972। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये संबंधित है फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, खून से कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी जो आपका है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नवा क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? युग्मज, भ्रूण, डीप शुक्राणु। तो गाइस, इसे कहा जाता है युग्मज। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आम तौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है,
72 और 80, 60 और 75, 90 और 120, 80 और 120। ऑप्शन बी 60 और 75। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से डॉट 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 से मूत्र विसर्जित करता है। 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर, 1.8 लीटर। ऑप्शन डी 1.8 लीटर। देखिए दोस्तों, जो आपकी बिहार होमगार्ड की परीक्षा होनी है 2021 में होने की संभावना है, जनवरी 2021। जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर बिहार होमगार्ड की तैयारी करवाई जा रही है, डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है 200 रुपये, जल्दी से जमा करिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगला क्वेश्चन, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन बी डोइजी एंड टैन। अगला क्वेश्चन, इनसाइट आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, केसी वर्मा। ऑप्शन सी जो आपका है, के शंकरन नायर, ये सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। अब हम बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखिए, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें होगा कर्मवाच्य, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान, नया तथा सुंदर। इसमें अव्यय के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सी तथा। हिंदी में जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो कैसे लगाया जाता है? अल्प विराम का चिन्ह जो होता है वो कैसे लगाया जाता है? अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, इस प्रकार से, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। नाक कटना, जैसे कि आपने चोरी कर ली, कोई इंसान जान ले कि आपने चोरी कर ली और आपने चोरी ना की हो, तो चोरी करने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़, पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्द्युत रस का स्थायी भाव क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। ऑप्शन सी विस्मय। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन है, सोटा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। सोटा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं गाइस? 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। ऑप्शन डी रूपक। निम्न में से दंत्य ध्वनि है खा, चा, ला या? ऑप्शन सी ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? चा, जा, झा, डा।
अघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, चा जो आपका है ये अघोष वर्ण है। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। ऑप्शन बी सुंदरता, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। ऑप्शन डी सागर, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन, लता। ऑप्शन बी दर्शन। निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह सभा, मनुष्य, हिमालय। सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है यह है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में विशेषण है शीतलता, बल, नया प्रवृत्ति। तो दोस्तों, ये हमारे थे बिहार होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के कुल 30 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ऑप्शन सी नया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।